नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं कर्म टीवी। स्वागत है आप सभी दोस्तों को हमारे कर्म टीवी पर। और आज हम पहुंचे हैं कोटद्वार के गौशाला में, जो काशीरामपुर तल्ला में स्थित है। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मतलब कोटद्वार में हर गली में, हर मोहल्ले में, नेशनल हाईवे में गायें घूम रही हैं, काफ़ी लोगों को सामना इसमें करना पड़ रहा है। और आपने देखा होगा कई सारे गौवंश जो है आवारा घूमते हैं, कचरा खाते हैं, पन्नी खाते हैं। और आपने देखा होगा इसमें कई सारे गोबर घायलों के ऊपर भी कई सारे आपने देखे होंगे। आखिर किस कब तक इन गौशालों को ऐसे ही घूमना पड़ेगा, मजबूरन देखना पड़ेगा, कब तक क्योंकि गौर परेशान होते रहेंगे। आज हम काशीरामपुर तल्ला में इसी वजह से देखने के लिए आए थे। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आज इस गौशाला के निर्माण हुए आज कम से कम 3 महीने से अधिक समय हो गया था। अधिक होने समय पर होने पर विधायक ऋतु खंडूरी भूषण जी ने इस गौशाले के लिए कहा गया था कि इसमें 4 दीवार का निर्माण किया जाएगा, बिजली फिटिंग की जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काम तो इस जगह पर हो रहा है। अभी यहाँ पर इसके लिए जाली तैयारी हो रही है, इसको आगे पीछे लगाने के लिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई है। और कुछ गौशाले यहाँ पर, कुछ गौवंश यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ पर कुछ गौशालाएँ यहाँ पर रखी हुई हैं। कम से कम 70 से 80 के करीबन यहाँ पर गायें हैं। पूरी गाय यहाँ पर भी नहीं रखी गई है, वो इस वजह से नहीं रखी गई है कि अभी कुछ यहाँ पर काम भी चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि 4 दीवारों का यहाँ पर खतरा पर बना हुआ है। काफ़ी दिक्कतों के साथ जो यहाँ पे गौवंश को रखा गया था, लेकिन अभी जो काफ़ी 70 से 80 करीब के करीबन जो है गाय यहाँ पर है, जल्दी इस गौशाला का निर्माण पूरी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो जालियाँ लग जाएंगी, टीन शेड लग जाएंगे, बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। और यहाँ पे जो मशीन देख रहे हैं आप, आगे देख सकते हैं मेरे पास कि भूसा स्टोर अभी इस जगह पर नहीं बनाया हुआ है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना इन गौवंश को करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे दूर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मशीन रखी गई चारा काटने वाली, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से सिर्फ रखी गई है, इसको संचालित अभी नहीं किया गया है। कितना समय इस मशीन को यहाँ पर रखे हुए हो गया है, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो महीने से महीने भर में, लगभग महीने 2 महीने में इस जगह पर काम पूरा कम्प्लीट कर दिया जाएगा। काफ़ी समय लग रहा है इस काम को करने में, अभी पूरे जाली के समय पर काम हो रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि कई सारी यहाँ पर दिक्कतें को हो रही हैं। होना चाहिए कि 70 से 80 गाय यहाँ पर रखी गई हैं। इसके बाद भी कई सारी अनियमितताएं यहाँ पर इस गौशाले में दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से पूरी गायों को यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। और आप देख सकते इसमें 4 दीवारी नहीं हो सकती है, भूसा स्टोर नहीं है, और जो यहाँ पर कर्मचारी हैं इनको रहने की यहाँ पर पूरी तरह से प्रोवाइड जगह नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने के लिए, रखरखाव के लिए भी काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। आप मेरे सामने से देख सकते हैं कि एक भाई यहाँ पर गायों को पानी पिला रहे हैं, जिनके यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों के सामने के साथ यहाँ पर काम करते हैं। 70 से 80 गाय लगभग इस गौशाला में अभी इस समय मौजूद है, और निर्माण कार्य इसमें चल रहा है। 3 महीने संचालित होने के बाद, अब 3 महीने बाद यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा उम्मीद हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लगभग 1 से 2 महीने इस समय को इस लग सकता है। अभी इस गौशाला के 4 दीवार का निर्माण नहीं किया गया है, भूसा स्टोर जगह पर नहीं बनाए। और जो यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो गौवंश की जो देख रेख करते हैं, रात भर उठे रहते हैं, इनको ध्यान रखते हैं, पानी पिलाना, कई सफाई जैसे काम करना होता है, इस तरीके के काम के लिए भी इनको अभी यहाँ पे कर्मचारी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। 5 कर्मचारी इस समय यहाँ पर मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे भाई से कि ये क्या कहेंगे इस बारे में कि और कितनी दिक्कतों का सामना इनको यहाँ पर इनको करना पड़ता है। देख सकते हैं क्या भाई हमारे यहाँ पर पानी पिला रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पे क्या है। भाई आपको कितना समय यहाँ पर हो गया है इसमें गौ समय के यहाँ पर रहते रहते? मेरे हो गए सर 2 महीने। 2 महीने हो गए? हाँ जी। क्या लगता है आपको 2 महीने में मतलब कितनी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? आपके लिए आवास है यहाँ पर, व्यवस्था की व्यवस्था तो है नहीं सर, अभी हो जाएगी, बोल रखा है निगम ने बोला हुआ कि व्यवस्था हो जाएगी। 2 महीने आपको यहाँ पर हो गए हैं, कितने कर्मचारी आप यहाँ पर काम करते हैं? 5 है जी, 2 लेडीज 3 जेंट्स। 2 लेडीज 3 जेंट्स आप यहाँ पर काम करते हैं, और यहाँ पे 5 के मेगा, काफ़ी दिक्कत सामना आपको करना पड़ता है। नगर निगम ने बोला है आपको कि आपको यहाँ पे आपके लिए व्यवस्था पे कर दी जाएगी जल्दी। हाँ जी। और किस किस दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? आप 2 महीने रात दिन यहाँ पे गौ सेवा में आप यहाँ पे देते हैं, आप क्या लगता है आपको कि कितना दिक्कतों का सामना यहाँ पे काम बचा हुआ है, क्या लगता है? ये सर अभी कि तुम्हारा गाय के लिए ठंड है, कोई व्यवस्था नहीं कर रहे, व्यवस्था हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है व्यवस्था, हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और जो चारा का भूसा स्टोर दिख रहा है, आप कहेंगे बिजली की, लाइट की, बस सबकी व्यवस्था आपके पास पूर्ण तरह से मौजूद है? अभी कर रहे हैं सर, अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, थोड़ा बहुत है अभी, धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो निगम की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, पूरा सहयोग मिल रहा है। तो निगम की तरफ से यहाँ पर पूरा सहयोग मिल रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे छोटा सा बछड़ा यहाँ पर लेटा हुआ है, ये किस वजह से लेटा हुआ है जी? ये किस वजह से लेटा हुआ बछड़ा? ये ठंड से मर गया सर। ठंड से मर गया? हाँ जी, ये आज ही हुआ। आप देख सकते हैं कि छोटा सा बछड़ा जो है, 4 दीवार का निर्माण नहीं था, पर्दे नहीं रहे, जिसकी वजह से छोटा सा बछड़ा आपको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते होंगे कि छोटा सा बछड़ा ठंड की वजह से कल रात को यहाँ पर इसकी मर गया है।
काफी दुख के साथ मुझे आपको बात बतानी पड़ रही है कि तो जो ठंड की वजह से मरने का बहुत बड़ा चांस है। और आपको देख सकते हैं इस तरफ तो जंगल का इलाका है, नदी बगल में ही नदी है तो